ये सारे गद्दार आपके साथ बैठे हैं। देखें, आप इसको इस तरह स्ट्रेट अवे, ये मैथमेटिक्स है नहीं कि आप कहें 2 + 2 = 4 होता है। आप पहले मुझे ये बता दें, शायद मेरी तवज्जो में कमी थी, कि ये जो आपने पढ़ा ये किसका, इसकी सोर्स क्या है? ये वेरी हाईली प्लेस्ड नहीं, हाईली ऑफिशियल प्लेस को छोड़ें, नाम नहीं ले सकते। नाम कैसे नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। जब देखें आप नाम नहीं ले सकते नदीम, तो आप ब्रेकिंग न्यूज कैसे दे रहे हैं? मैं दे सकता हूं, नाम दें आप। मेरे सोर्सेज कह रहे हैं खबर, आप इधर और खबर क्या दे रहे हैं आप? मैं ये खबर ये दे रहे हैं, एक बिल्कुल दे सकता हूं। एक सेकंड नदीम, बात ये है कि देखें, डोंट फॉरगेट कि आप एक चैनल में बैठे हुए हैं। मैं चैनल में बैठ के खबर से का इशू है, बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से, तो आप नाम बता दे आप। मैं अगर उठा लूं कि जी ये मेरे पास खत है, धमकी आई है, नाम बताया था किसका खत है? एक सेकंड, मैं कैबिनेट मेंबर हूं, मैंने वो देखा हुआ है। आप कैसे, आपने तो सुनी सुनाई बातें की हैं। प्राइम मिनिस्टर ने धमकी वाला खत आया है, किसका खत? एक सेकंड, एक सेकंड, पहले तो जो आपने जो थोड़ा सा, मैं माजर चाहता हूं कि जो आपने नादानिस्ता तौर पे, मैं ही नहीं कह रहा हूं कि आपने दानिस्ता तौर पे, आपने जो मिसगाइड किया है, मिसगाइड मैं उसको करेक्ट करता हूं। मैंने हकायक बताए, मैं आपकी बात पे ऑब्जेक्शन करता हूं। मेरी मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं अपने फादर को ना तो खुदा नहीं है, आप खुदा नहीं है, मैं कोई भी खुदा नहीं होता, जर्नलिस्ट का काम है आप फैक्ट चेक करना। तो सही ना, इतने डिफेंसिव नहीं होना। इट्स नॉट अ मिस्टेक, नहीं, इट वाज ओके, ये खबर है, मैंने खबर रिपोर्ट की है, खबर ऑफिशियल सोर्सेज से रिपोर्ट की है। यू हैव नो राइट टू क्वेश्चन माय नेम। आई हैव एवरी राइट, लाइक यू कैन से कि जी ब्रेकिंग, इशू अ डिनायल। मैं इसको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, लेटर एनएससी एज अ रिस्पांसिबल कैबिनेट मेंबर, दिस इज आई एम प्रिवी टू द कंटेंट्स ऑफ दिस हाईली लेटर, हाईली इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट। आप एनएससी की मीटिंग में बैठे थे? मेरी बात सुनो, एनएससी में बैठे थे? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जब ये लेटर आया, और ये कौन भेजता है? हमारा एम्बेसडर भेजता है। ये प्राइम मिनिस्टर ने बोला था ये लेटर आया है असद मजीद का। ये देखो, अब आप जो नो, आप बाल की खाल नहीं उतारे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। मेरी एक सेकंड, पूरी कॉम को आपने फाइल लगाया हुआ है, वो चलवाए जरा बताएं क्या कहा था दोबारा, मेरी बात बताएं, दोबारा दिखा देते हैं। मैं क्विकली फिनिश करता हूं अपना पॉइंट। एम्बेसडर होता है क्या? आपके मुल्क की सारी चीजें को हैंडल करता है आपका एम्बेसडर। वो कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को या नदीम को या शिबली फराज को नहीं बुलाएंगे अमेरिकन, और ना बाइडन बुलाएगा। उन्होंने जो उनके हाई लेवल बुलाए थे, उन्होंने वो रिपोर्ट किया कि जी ये बातें हुई हैं, ये फंक्शनरी का नाम भी दिया है, डोनाल्डो नाम भी दिया है, और बताया भी है कि क्या कहा गया है कि अगर पाकिस्तान में अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो क्या होगा, और अगर कामयाब हो गई तो क्या होगा, वो सारी कौम को पता है। नंबर वन। नंबर टू, कि जब नेशनल सिक्योरिटी में, कैबिनेट में सबसे पहले हुकूमत क्या होती है? कैबिनेट होती है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। हमें दिखाया गया, किस डेट को? डेट बताइए। ये कोई एक हफ्ता हो गया है, ये 30 मेरे ख्याल मार्च की बात है, डेट एग्जैक्टली मुझे नहीं, प्रोबेबली 30 मार्च, 30 या 29 होगी इसका। मैं मुझे एक बात बताइए, आप रुकिए अभी यहीं पे। 7 मार्च को मीटिंग हुई थी, 8 मार्च को प्राइम मिनिस्टर को खत आया था, 27 मार्च में जलसे में लहराया था। हमने जब सवाल यहाँ उठाया कि ये कौमी सलामती खतरे में थी, तो 3 हफ्तों में कौन सा इकदाम लिया गया? तो 30 मार्च को कैबिनेट को बुला के 31 को उन्होंने एनएससी की मीटिंग बुला ली। इस तमाम अरसे में प्राइम मिनिस्टर को याद नहीं आया कि नेशनल सिक्योरिटी खतरे में, मुल्क सलामती को खतरा दरपेश है? प्राइम मिनिस्टर कौन सा और सिंगल उसके रेलेवेंट इदारों को पता था? एक सेकंड, नेम अ सिंगल स्टेप। हमने सिर्फ इस इशू को नहीं उठाया बिकॉज हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस आ रही थी, पहली दफा थी कि जिसमें इतने अरसे बाद 57 यार वो इस्लामी मुल्कों को फुटेज चलाए उसकी, वो अजरा, मेरी बात तो अजरा दिया, आप फुटेज ही चला, फॉरेन मिनिस्टर मुझे क्यों बुलाए? फॉरेन मिनिस्टर उसके साथ मीटिंग कर रहे थे, खुश गपियों में मसरूफ थे, वार्मली ग्रीट कर रहे थे। क्या मतलब है कि पिस्तौल लेके और यूं करके खड़े, वो हमें रिजीम चेंज की धमकी दे रहे हैं। मैं अभी फुटेज, अच्छा मेरी बात सुने, देखिए अभी वन साइड शो नहीं चलेगा, दिस इज नॉट वन साइड, एक सेकंड, इट इज, आप मेरे फैक्ट, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैंने आप, एक सेकंड जी, ये पहली दफा हुआ है, फर्क क्या है? 40 साल पहले जुल्फिकार अली भुट्टो एक खुददार मम्लिकत बनना चाहता था, उसकी उसको धमकी मिली, आप क्या कर रहे थे? नहीं नहीं, एक सेकंड ना, ये बटा बटा फांसी पे सड़का दिया ना, साजिश क्या होती है? साजिश क्या आपको कि जी आपके साथ मैं गुस्सा दिखाऊंगा, मैं तो और भी मीठा अमरीका ने चढ़ाया। अच्छा, दूसरी बात, एक बात कर रहे हैं, इसके बाद आप पूरे, आपके पास टाइम है ब्रेक तक, आपके पास है, मैं आई रिस्पेक्ट दैट, ठीक है ना। लेकिन नदीम, नेशनल सिक्योरिटी, फिर हमने पार्लियामेंट्री कमेटी को बुलाया। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज के हेड होते हैं। हमने इनको बुलाया इनके साथ शेयर करने के लिए, इन्होंने बायकॉट किया, अजब ये नहीं आए अभी वो, तो आप क्या तवक्को करते हैं? और मैं आपको नदीम, विद ऑल द सिंसेरिटी, आप भी उतने पाकिस्तानी हैं, ये भी उतने पाकिस्तानी हैं, मैं भी इतना,
कोई ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे 150 या 190 गलत है, कोई भी नहीं कह रहा। आपने तो कोई नहीं कह रहा, आपने ना मेरे लीडर ने कहा है ना हमने कहा है। हम ये कह रहे हैं कि कई ने इमरान खान के ये अल्फाज हैं कि दानिस्ता या गैर दानिस्ता, जानते हुए ना जानते हुए।